जिलाधिकारी उन्नाव रविंद्र कुमार के निर्देश पर पूर्व उप जिलाधिकारी राजेश प्रसाद चौरसिया ने गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का किया वितरण। शुक्रवार की देर रात रैन बसेरों का जायजा लेने पहुंचे उप जिलाधिकारी पूर्वा द्वारा शीतलहर के कारण उत्पन्न समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पूर्वा क्षेत्र के विभिन्न रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गईं, उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान उनके साथ पूर्वा कोतवाली के कोतवाल नील कुमार सिंह, कस्बा इंचार्ज लाखन सिंह और नगर पंचायत पूर्वा लिपिक पंकज आदि लोग मौजूद रहे और जिलाधिकारी द्वारा गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि कड़ाके की शीतलहर को देखते हुए हर गरीब और जरूरतमंद तक सरकारी सुविधाएं और सरकार द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को पहुंचाया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए इस औचक निरीक्षण कार्यक्रम को रखा गया है और समय समय पर यह अनवरत ऐसे ही जारी रहेगा। जनमंच खबर के लिए पूर्वा से रिंकी सोनकर की रिपोर्ट। के द्वारा आज जो कंबल वितरित किए गए हैं जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पर किन किन लोगों को कंबल दिए गए हैं और रैन बसेरे के निरीक्षण में क्या पाया गया? जिला अधिकारी महोदय द्वारा आज निर्देश दिया गया था कि जिले के जितने भी SDM हैं अधिशासी अधिकारी हैं सब अपने अपने क्षेत्र में मिले और जो भी बाहर निराश्रित और असहाय व्यक्ति मिले इस ठंड से बचाव के लिए उनको कंबल वितरण करें और लोगों को राहत पहुँचाएं तथा रैन बसेरा में आने वाले व्यक्तियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं उसको देख रेख कर हमें रिपोर्ट करें। इसलिए हम लोग इस समय कंबल वितरण के लिए निकले हुए हैं तथा रैन बसेरा भी हमने चेक किया है। रैन बसेरा में आप लोगों के सामने जो भी कमियां मिली है उसको दुरुस्त करा दी गई है, तत्काल ही दुरुस्त कराया गया है, आगे से इस तरह की कोई कमी नज़र नहीं आएगी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।